ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीएस बाली साहब के साथ खास मुलाकात जारी है। बाली साहब, कुछ अहम डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपके पास है। अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो टूरिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ है हिमाचल प्रदेश के लिए, और ट्रांसपोर्ट के बगैर टूरिज्म अधूरा है। ट्रांसपोर्ट विभाग में और बेहतर काम करने के लिए क्या क्या योजनाएं आपके पास? देखिए, ट्रांसपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक महकमा है, जो इसमें काम करने का बड़ा स्कोप है, और हमने ऑलरेडी इसमें बहुत बड़ा काम किया। जब मैंने अभी ये चार्ज संभाला था 2012 में, एंड में, दिसंबर में, तो उस वक्त मुझे जो फ़ोन आते थे वो यही आते थे कि आप गाड़ी में पानी आ रहा है, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, गाड़ी में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त आती थी। मगर ओवर द पीरियड मैंने एक वर्ष उनसे मांगा था, हमने कुछ रेवेन्यू बढ़ाया, कुछ हमने लोन लिए, और आज हमने तकरीबन 1200 नई बसें जो हैं वो बेड़े में डाली हैं। 1700 का टोटल बेड़ा था, तो अब 1200 नई, 1250 बसें डाली हैं वोल्वो की सर्विस। आपको जान के हैरानी होगी कि वोल्वो नॉर्दर्न इंडिया में मैंने शुरू की थी, तो हरियाणा और पंजाब ने हमें फॉलो किया था। उस वक्त जब मैंने ये रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था, तब ये बात कही जा रही थी कि नहीं जी, वोल्वो कहाँ से ले आए जी, कहाँ चलेगी। आज वोल्वो के लिए रिजर्वेशन के लिए मेरे पास सिफारिशें आती हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि एक अच्छा काम हो ट्रांसपोर्ट में, और इसकी सबसे बड़े, जो मैं सदा कहता हूँ, सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट क्या हो, मैं ये चाहता हूँ कि एक्सीडेंट रेट कम हो। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 2-2.5 वर्ष में एक्सीडेंट रेट बहुत कम हुआ है, और मेजर एक्सीडेंट जब भी होता है तो कैजुअल्टी बहुत होती है। हम माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं, और हम अपनी कार्यशैली को इम्प्रूव करते हुए हम ये देख सकते हैं कि किसी भी दिन ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो सके, ड्राइवर हमारे आराम से गाड़ी चलाएं। अलग अलग टाइम पे मैं उनको अपनी तरफ से भी एडवाइजरी जो है वो मैं भेजता हूँ, और स्पेशली जब बरसात और स्नो फॉल होता है उन दिनों में हम अपनी एडवाइजरी जो है वो भेजते हैं। तो ये काम जो है उस तरीके से किए जाते हैं। बसों का बेड़ा आपका काफी बड़ा है, आपने काफी मेहनत की है, नई बसें भी यहाँ पर आई हैं, लेकिन लग्जरी बसों की बात करें और सेफ ड्राइविंग की बात करें, इसके बारे में और क्या खास करने वाले हैं इसके बारे में? अभी हमने तकरीबन 30 वोल्वो नई ली हैं, और हर शहर से अब वोल्वो जो है वो दिल्ली को कनेक्ट किया था पहले, अब हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से स्टेट हेडक्वार्टर को जो है वो कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी एक बड़ा स्टेप लेते हुए हमने श्रीनगर से धर्मशाला बस वोल्वो बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं, और जल्दी उसका उद्घाटन जो है वो माननीय हमारे चीफ जस्टिस जो है मीर साहब वो करेंगे श्रीनगर से, और इधर से हम शांता जी को मैंने कहा है ये इधर से वो करें, तो वो हमारे एमपी हैं वहाँ से, चाहे वो विपक्षी पार्टी के हैं मगर एमपी हैं कांगड़ा के, इसलिए मैंने उनसे कहा है कि वो इसको जो है वो उद्घाटन अपना इधर से कांगड़ा की तरफ से वो करेंगे, और उधर से मीर साहब करेंगे। बिल्कुल, ये भी खबर आई थी कि इलेक्ट्रिक बसें भी कुछ आप अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं, क्या योजना है? देखिए, हमने प्रयास करते हुए पहली सफलता मिली, और हम देश में पहले राज्य हैं जिसको ये प्रोजेक्ट जो हमने दिया, और उस प्रोजेक्ट के तहत हमें 50 छोटी और 25 बड़ी बसें जो है देने के लिए सिद्धांतिक रूप पर हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने अपनी मंजूरी दे दी है, और अब हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसका निकाल दिया है, और जैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से पार्टी सामने आएंगी हम इसको फाइनल करेंगे, और फाइनल करके हिमाचल में एक और रेवोल्यूशनरी काम करते हुए ये जो प्रदूषण की समस्या है उसको हल करेंगी, और एक नई चीज़ जो है आने वाले समय के लिए होगी। और जैसे मेरा हर वर्ष प्रयास रहता है हर बार कि कोई नई चीज़ लेके आए, तो इस बार हम इलेक्ट्रिक बसेज और सीएनजी बसेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश को देखे जाए। सीएनजी के बारे में कहा जाए तो रोहतांग दर्रे में एनजीटी ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रोक लगाई थी, डीजल की बसें हैं और इसके अलावा पेट्रोल की बसें बंद की जा रही थी, तो सीएनजी को हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए आपकी क्या योजना? देखिए, सीएनजी के लिए हमने लगातार अपना पक्ष एनजीटी के सामने रखा है। सीएनजी का अभी तक कोई लाइन जो है वो हिमाचल में है नहीं,
क्योंकि सिविल सप्लाई कंज्यूमर अफेयर भी मेरे पास है, तो जो ये गैस का महकमा ये भी मेरे अंडर ही आता है। ये हमने टालीवाल में एक स्टेशन मदर स्टेशन लगाने की बात की है, मगर आप अगर टोपोग्राफी देखें तो हिमाचल प्रदेश में कई जगह आपको लंबा डिस्टेंस पूरा करके जाना पड़ता है। तो अब अगर हम बिलासपुर से ऊना से लेकर के जाएंगे तो पाइपलाइन डाले बिना काम चलता नहीं है। अगर आपने रेगुलर सेवा देनी है तो उसके लिए हमने कहा है कि एनजीटी के पास भी कहा है, मिनिस्ट्री में भी कहा है कि हमारा पक्ष सुने, और उन्होंने सुना है, और उन्होंने हमने उनको कहा है कि उन्होंने हमारे से 17.5 करोड़ रुपया मांगा था। हमने कहा हम आपको जगह दे रहे हैं, आप रीवर्क करो। रीवर्क करके एक तो हमें जो गैस है वो रीजनेबल रेट पे मिले, ताकि जो टूरिस्ट आए और जो आम जनता जाए उनको एक सीमित किराए में हम सेवा दे सकें, तो उसके ऊपर सहमति बन रही है। टूरिस्ट की बात करें तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि बस बहुत महत्वपूर्ण है, टूरिस्ट आते हैं बड़े पैमाने पे यहाँ पर, वो सबसे पहले बस अड्डे को देखते हैं, तो क्या बस अड्डे को के आधुनिकीकरण के लिए और सौंदर्यीकरण करने के लिए भी कोई योजना आपकी? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में और प्रदेश में पर्टिकुलर एक बड़े अफसोस की बात है कि जो अच्छा और जल्दी काम करने का प्रयास करोगे उसमें रोक जरूर आती है। और हमने प्रयास किया पिछले टर्म में कि सरकार के पास सीमित साधन है तो बीओटी के ऊपर, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर के ऊपर कुछ बस अड्डे लेके आए। हमने उसमें शिमला में बस स्टैंड बनाया, कांगड़ा में बनाया, धर्मशाला में बना रहे, मकलोटगंज में, ट्रांसपेरेंट बिडिंग हुई, सब कुछ हुआ। एक एनजीओ या कुछ लोगों का मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट था, जिनके कब्जे थे उस जगह पर, वो लोग कोर्ट में चले गए और फैसला कोई एक पेड़ नहीं काटा गया, और फैसला ये आ गया कि वो लटक गया मामला। अब वो कोर्ट में लटका हुआ मामला, उसको 20 साल 15 साल हो गए हैं। ऐसे में आपको एक और मामला बताता हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया था एज ए टूरिज्म मिनिस्टर, हिमालयन स्की विलेज, और वो तकरीबन एफडीआई की सबसे बड़ी 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, मगर लगातार कुछ लोगों ने उसको प्रयास किया रोकने का। कौन करता है, जो कंपिटिटर होते हैं, तो वो प्रयास किया और जैसे ही वो कामयाब हुए कोर्ट में मैटर चला गया, और कोर्ट का जब मैटर हुआ और जब उसका फैसला हुआ तो बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद फिर दोबारा हमारी आ गई। अब कोर्ट का फैसला आ गया कि प्रोजेक्ट लगाएं, मगर तब तक प्रोजेक्ट बाइबल नहीं रहा, जहाँ इन्वेस्टर जो है वो भाग गए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर सबको सोचना चाहिए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जीएस बाली की राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वो खुद क्या मानते हैं।